सबसे पहले हम लोग बार मैग्नेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हम लोग ये पढ़े थे, बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करेंगे थ्रेड से तो कैसे टिकता हो, नॉर्थ साउथ में। जो पार्ट नॉर्थ की ओर होता है, अर्थ के नॉर्थ की ओर, उसको हम लोग क्या करते हैं, नॉर्थ पोल, और दूसरा क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। ठीक, सेकेंड पॉइंट ये हमने बताया था कि जो मैग्नेट है, तो मैग्नेट का जो पोल, मतलब इसको हम चाहें कि सिंगल पोल कर ले तो पॉसिबल, मतलब कि मोनोपोल नेवर एग्जिस्ट। कोई मैग्नेट है, उस मैग्नेट को हम डिवाइड करते जाएं, ये नॉर्थ साउथ है, इसको हम डिवाइड कर दें, मान लो दो पार्ट में कर लेते हैं, तो इन दोनों पार्ट में फिर से क्या डेवलप हो जाएगा, नॉर्थ साउथ। यहाँ तक कि एटम फॉर्म में आ जाता है तब भी इसमें दो पोल पाए जाते हैं। और इसकी जो मैथमेटिक्स है, हम लोग ये लिखते हैं कि बी डी एस इज इक्वल टू जीरो, मतलब मोनोपोल नेवर एग्जिस्ट। ठीक, फिर इसके बाद इसमें जो आता है, एक नेचुरल लेंथ आती है, इफेक्टिव लेंथ आती है। इसके बारे में जरा समझ लो, ये कोई मैग्नेट है ये, ठीक, पोल ये मान के चला जाता थोड़ा सा अंदर, यहाँ काम करते हैं, यहाँ पर लिया जाता है, तो ये दोनों पोल के बीच का ये जो सेपरेशन है, ये वाला, ठीक, इसे हम लोग कहेंगे इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ। और ये यहां से लेकर यहां तक ये पूरा, ये नेचुरल लेंथ कहलाती है मैग्नेट की, ये हो जाएगी नेचुरल लेंथ। ठीक, ऐसे यू शेप का मैग्नेट है ये, ठीक, अब यहां पोल ये मान के चले जाते हैं यहां पर, यहां पर, तो ये जो है, ये दोनों पोल्स के बीच का ये क्या कहलाएगी, इफेक्टिव लेंथ। ठीक, और पूरा ये यहां से लेकर यहां तक इसका हम रेडियस मान लेते हैं ये आर है, तो इसका सर्कमफेरेंस निकालेंगे, ये आपका हो जाएगा नेचुरल लेंथ। तो नेचुरल लेंथ जो हो जाएगी इज इक्वल टू, पूरा होता तो टू पाई आर, हाफ है तो क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये सारी चीजें बार मैग्नेट के बारे में हुई। ये इसको थ्रेड से हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो नॉर्थ साउथ में टिकता है। जो पार्ट आपका अर्थ के नॉर्थ की ओर है, दैट इज कॉल्ड नॉर्थ पोल, एंड सेकेंड इज कॉल्ड साउथ पोल। सेकेंड पॉइंट, मोनोपोल नेवर एग्जिस्ट, मोनोपोल कभी एग्जिस्ट नहीं होता है, हमेशा ये पोल में रहे, दो पोलों में रहेगा। और फिर इसके बाद हमने ये बताया कि इफेक्टिव लेंथ क्या होती है, इफेक्टिव लेंथ जो पोल्स हमारे होते हैं, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन होता है वो इफेक्टिव लेंथ होता है, और नेचुरल लेंथ आपका पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक के नेचुरल लेंथ कहलाता है। ठीक, दूसरी बात कि मैग्नेट कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस है, जैसे आयरन का कोई हमने ये टुकड़ा ले लिया, इसमें क्या होते हैं, एटम्स अलग अलग डायरेक्शंस में होते हैं। जब ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेता है, अभी जो एटम्स है, कोई इस साइड है, कोई इस साइड है, ऐसे बिखरे होते हैं, लेकिन जब इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है, तो उस केस में सारे एटम एक डायरेक्शन में ये क्या होते हैं, अरेंज हो जाते हैं। जब एक डायरेक्शन हो जाते हैं तभी इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप होती है, और उस केस में ये हम मान लो लेंथ L1 ले लेते हैं और इसकी लेंथ हम L2 ले लेते हैं, तो L2 जो है ग्रेटर देन क्या होता है, L1 होता है, मतलब उसकी लेंथ जो है स्लाइटली क्या करती, इंक्रीज कर जाती है। जैसे क्लास में स्टूडेंट से कोई इधर बैठा है, कोई उधर बैठा है, टीचर आने के बाद सब लोग सिस्टमेटिक तरीके से बैठे, क्लास की लेंथ थोड़ी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये होता है कि जब कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्वायर करता है, तो उसके आइटम सारे एक डायरेक्शन में सेट होते हैं, जिससे उसकी लेंथ स्लाइटली क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। ठीक, इसके बाद जो है कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें बिना पोल के ही चीजें हैं, जैसे रिंग हम ले लेते हैं। अब ये रिंग है, इसमें कोई पोल नहीं होता है, जैसे अब यहाँ नॉर्थ ले लिया तुरंत यहाँ साउथ हो जाएगा, यहाँ साउथ ले लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा। तो कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो बिना पोल के भी इसमें मैग्नेटिक करेक्टर पाया जाता है,
ये जैसे रिंग केस हो गया, इसमें कोई पोल नहीं होता लेकिन मैग्नेटिक करेक्टर पाया जाएगा। ऐसे इनफाइनाइट लेंथ की सोलेनाइड है उसमें भी मैग्नेटिक करेक्टर पाया जाता बिना किसी पोल के। इसका मतलब हो गया बिना पोल के भी मैग्नेट पॉसिबल है। दूसरा जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो है मैग्नेट का सही पहचान क्या है, रिपल्सन या अट्रैक्शन। तो रिपल्सन जो होता फिनोमेना ये जो है इसका सही पहचान होता है किसी मैग्नेट के बारे में। तो ये क्वेश्चन एक दो बार पूछा जा चुका है कि रिपल्सन जो है मस्ट। ठीक, अब आते हैं हम लोग मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज आते हैं, इसके बारे में समझिए ध्यान से। इस पर क्वेश्चंस आपको मिलते हैं और आईटी वगैरह भी आ रहे हैं। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज, अब ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज के बारे में समझिए। फैराडे ने इसके बारे में दिया था, बताया था, और क्या बताया था कि ये इमेजिनरी लाइन है जो किसी मैग्नेट के किस पोल से निकलती हैं, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ये होता है नॉर्थ पोल मान लेते हम लोग, ठीक। ये मैग्नेट है आपका, ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो ये नॉर्थ टू कैसे चलती हैं और इनसाइड मैग्नेट कैसे होती है, साउथ टू नॉर्थ होती है, ठीक। तो ये इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी लाइन जो मैग्नेट से नॉर्थ से कहाँ जाती है, साउथ, और इनसाइड कहाँ होती है, साउथ टू नॉर्थ होती है। इन पर जो टेंजेंट हम ड्रा करें वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। मान लीजिए यहाँ पर हमने कोई टेंजेंट ड्रा किया तो यही मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड की क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा, ठीक। इसके बाद इमेजिनरी लाइन हुई, इमेजिनरी हमने बताया था कि हम इसको आंखों से देख नहीं सकते हैं लेकिन हम कोई मैग्नेट रखते हैं तो या तो अट्रैक्ट होता है या रिपेल होता है, या नीडल, मैग्नेटिक नीडल रख के हम लाइन ऑफ फोर्सेस को ड्रा करते हैं, ठीक। जैसे हमने बताया था कोई है अब सामने आगे खड़ा हुआ तो हम कभी अच्छा फील करते हैं, कभी नहीं फील करते, बुरा फील करते हैं, अच्छा नहीं लगता है, कुछ बोल नहीं रहा उसके बावजूद। उसी तरह से मैग्नेट में है ऐसी लाइन ऑफ फोर्सेस निकलती हैं जिनको हम देख नहीं सकते हैं लेकिन किसी मैग्नेट को रखने से वो अट्रैक्ट होंगे या क्या होंगे, रिपेल होते हैं, ठीक। तो वो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज होती हैं। इसके कई सारे पॉइंट्स हैं, जैसे पॉइंट नंबर वन की हम बात करें कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। तो इसका जो मतलब रीज़न है ये हम कहेंगे कि टू टेंजेंट कैन नॉट ड्रॉन एट एनी पॉइंट। हम चाहें कि यहाँ पर दो टेंजेंट ड्रा कर लें, ऐसे दो टेंजेंट ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, यदि यहाँ से ऐसा होता है एक से दो लाइनें निकल रही होती तो दो टेंजेंट पॉसिबल होते, लेकिन होता क्या है एक लाइन यहाँ चलेगी और यहाँ तक पहुँच जाएगी, कहीं एक से दो पॉसिबल। तो हम ये मान लेते हैं कि ये तो टेक्निकल वर्ड हो गया कि टू टेंजेंट कैन नॉट ड्रॉ एट एनी पॉइंट, ये तो रीजन हो गया। समझने के लिए हम यह समझ लेंगे ऐसे ही कि एक लाइन ऑफ फोर्स से कहीं दो लाइन ऑफ फोर्स नहीं होती है। अब दो लाइन ऑफ फोर्स हो रही होती है ऐसे, इधर जा रही होती, इधर जा रही होती, फिर इधर जा रही, तो ये सब क्या करती है, काटती एक दूसरे को। लेकिन क्या होता है, एक ही लाइन ऑफ फोर्स नॉर्थ चलेगी, वो कहाँ पहुँचेगी, साउथ पहुँचेगी, इसीलिए कभी ये इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। दूसरी चीज, ये क्लोज कर्व बनाती हैं, यहाँ से आ रहा है देखिए ऐसे चला जा रहा है, ये क्लोज कर्व बनाती हैं जबकि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्लोज कर्व नहीं बनाती। यही दोनों बेसिक डिफरेंस है, एक बार बहुत पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक, कि जो है दोनों बेसिक डिफरेंस क्या है। तो बेसिक डिफरेंस यही हो गया कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो है क्लोज कर्व नहीं बनाती हैं जबकि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्लोज कर्व बनाती है। इसके बाद पोल्स पर कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री। यहां पर देखिए क्या हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है, ठीक। तो दूसरी चीज क्या हो गया, जहां ये पोल्स पर यदि हम इस मैग्नेट को आयरन के टुकड़ों में रख देंगे तो हम ये देखते हैं कि पोल्स पर बहुत सारे आयरन के पार्ट इकट्ठे हो जाते हैं और यहां पर नहीं इकट्ठे होते हैं। इसका मतलब हो गया पोल पर इनकी मैग्नेटिक फील्ड जो है सबसे ज्यादा होती है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस भी यहाँ पर बहुत डेंस होती है, जहाँ पर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस बहुत डेंस होंगी वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक। तो ये चीज़ आपका हो गया। सेकंड पॉइंट इसमें हम आते हैं, और
कि लाइन ऑफ फोर्सेस जो होती हैं जहां पर इक्वल डिस्टेंसेस पे होती हैं, ऐसे बराबर बराबर डिस्टेंस पे हो, ऐसे हो, तो इसे हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और जहां पर कहीं कम कहीं ज्यादा है तो इसको क्या कहोगे? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो लाइन ऑफ फोर्सेस इक्विडिस्टेंस पे है तो क्या कहा जाएगा? यूनिफॉर्म। और डिस्टेंसेस कहीं कम कहीं ज्यादा है तो क्या कहोगे? नॉन यूनिफॉर्म। ठीक, इसके बाद डायमैग्नेटिक सब्सटेंस या रिंग होती है, इनमें क्या होता है कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस बाहर से निकल जाती है, अंदर इंटर नहीं करती है, अंदर इंटर नहीं करती है। इस इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? शील्डिंग इफेक्ट। क्या कहेंगे? शील्डिंग। किसी चीज को मैग्नेट के इफेक्ट से आपको बचाना है तो उसके चारों तरफ एक रिंग लगा दीजिए। तो रिंग लगा दोगे तो बाहर से निकल जाएंगी, अंदर उनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। इसके बाद मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, जो अर्थ की मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज है वो किधर चलती है बताओ? वो साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। और मैग्नेट की क्या चलती है? नॉर्थ टू साउथ चलती है। दूसरा पॉइंट आता है न्यूट्रल पॉइंट। अब ये न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है? जहां पर मैग्नेट की लाइन ऑफ फोर्स और अर्थ की लाइन ऑफ फोर्स दोनों इक्वल और अपोजिट हो जाती हैं, वहीं हमें क्या मिलता है? न्यूट्रल पॉइंट मिलता है। एक दूसरे को क्या करती हैं? कैंसिल कर देती हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर ये अर्थ का साउथ मान ले रहे हैं, ये अर्थ का नॉर्थ पोल हमने मान लिया, लाइन ऑफ फोर्स अर्थ की ऐसे जा रही है। अब कोई मैग्नेट है रखा, अब ये मैग्नेट हमने रख दिया ऐसे, ठीक। अब मान लीजिए ये आपका नॉर्थ पोल है और ये क्या है? साउथ पोल। तो लाइन ऑफ फोर्स आपकी ये जा रही है। अब देखिए ये दोनों कैसे हो गई? अपोजिट हो गई। तो क्या करेंगे? यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। तो होता क्या है कि जहाँ पर नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट हमें कहाँ मिलते हैं? जहाँ पर अर्थ की जो लाइन ऑफ फोर्स है और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स दोनों इक्वल और अपोजिट होते हैं, वहाँ पर एक दूसरे कैंसिल कर देती हैं। आईआईटी में एक क्वेश्चन बहुत पहले आया था, जैसे मैग्नेट को तुम हॉरिजॉन्टली रखोगे तब तो दो नल पॉइंट मिलेंगे, लेकिन मैग्नेट को वर्टिकली रखोगे तो ओनली ऑल नल पॉइंट होते। ठीक, एक बार ये पूछा गया था, तो इसको ध्यान दिए रहिएगा। अब आते हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट। अब इसके बारे में समझिए, यहां से आपका थोड़ा स्टार्टिंग हो रहा है। मैग्नेटिक कैपिटल एम से हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक। और ये कैपिटल एम, जैसे कोई मैग्नेट है, ये साउथ पोल है और ये आपका नॉर्थ पोल है, इसको माइनस एम और इसको क्या कहेंगे? प्लस एम। ये बिल्कुल वैसे बिहेव करता है जैसे कोई चार्ज रखा हो। कुछ ऑथर्स इसको क्यू एम और क्यू एम लिखे हुए हैं, तो हम लोग माइनस एम प्लस एम, और इसको कहा जाता है पोल स्ट्रेंथ। क्या कहेंगे? पोल स्ट्रेंथ। इसकी लेंथ मान लेते 2L है। पहली बार डायरेक्शन इसका साउथ तो क्या होता है? नॉर्थ होता है, और m इज इक्वल टू होता है m इंटू 2L। क्लियर हो गया? तो प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड लेंथ ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मोमेंट। अब हम ये करेंगे कि बहुत डेप्थ न जाके हम दोनों क्या कर रहे हैं, कंपेयर करना चाह रहे हैं। कौन दोनों को? इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो हम लोग डिस्कस किए थे, और यहाँ पर दोनों कंपेरेटिव स्टडी यहाँ कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग बहुत डेप्थ नहीं ले, कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म में। ठीक, हमने ये बताया यहाँ पर हम इसको लेते हैं चार्ज, और यहाँ पर वही रूल इसका क्या है? पोल स्ट्रेंथ का है। जो रूल यहाँ पर 1/4π0 का है, वही वैल्यू यहाँ μ0/4π यूज करेंगे। फिर इसके बाद हमने बताया यहाँ पर हम P इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यहाँ M मैग्नेटिक मोमेंट कहलाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड। अब डायपोल पे आते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, ठीक। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस वेरी नियर टू ईच अदर, दिस टाइप डिवाइस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। अब आते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ये 2L होता है, डायरेक्शन इसका माइनस क्यू टू प्लस क्यू, केमिस्ट्री में प्लस से माइनस होता है, नहीं मारपीट करने लगो। तो यहाँ पर हो जाएगा P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L, कि प्रोडक्ट ऑफ
चार्ज एंड लेंथ ऑफ डाइपोल। यूनिट हमने बताया था यहाँ क्या हो जाएगी, कूलम इनटू, ठीक, ये एसआई यूनिट हो गई और सीजीएस में इसका क्या हो गया, डिवाइड कहलाता है। फिर इसके बाद आते हैं यहाँ पर साउथ नॉर्थ, बस ये ध्यान देना ये माइनस एम और ये जो रोल यहाँ माइनस क्यू का है वो साउथ पोल का है और जो यहाँ प्लस का है वो नॉर्थ पोल का है। डायरेक्शन इसका साउथ टू नॉर्थ हो जाएगा। लेंथ हमने 2L ले लिया तो मैग्नेटिक मोमेंट बता दो क्या हो जाएगा यहाँ पर, M इंटू 2L हो जाएगा। यूनिट के लिए हमने कहा यहाँ से निकाल लिया करो, M इज इक्वल टू एन आई ए, यहाँ से आ जाएगा एम्पियर और इंटू मीटर। अब स्मॉल m की निकालना चाहोगे तो स्मॉल m इज इक्वल टू m अपान 2L, एम्पियर मीटर स्क्वायर अपान मीटर, से मीटर क्या हुआ तो एम्पियर इंटू, तो यहाँ पर स्मॉल m की यूनिट हो गई एम्पियर, अब एम्पियर मीटर और इसकी क्या हो गई एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक। अब इसके बाद आते हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये हो गया, ये डाइपोल आपका माइनस क्यू टू प्लस क्यू हो गया एंड एंगल थीटा, तो टाउ इज इक्वल टू हाउ मच पी ई साइन थीटा, ओके। इन वेक्टर नोटेशन टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस, यहीं से राइट हैंड से आप इसका डायरेक्शन फाइंड कर सकते हो, फिंगर्स आपकी पी से कहाँ चलें तो टाउ का डायरेक्शन कौन बताएगा, थंब बताएगा। फिर इसके बाद यहीं से हमने मिनिमम और स्टेबल और अनस्टेबल पढ़ा था, तो बताओ कि पहली बात तो टाउ मिनिमम कहा जाए तो टाउ मिनिमम की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी जीरो, एंड टाउ मैक्सिमम कहा जाए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी पीई। जहाँ जहाँ साइन और कास होता है वहाँ मैक्सिमम वैल्यू दोनों के लिए क्या हो जाएगी वन, और जहाँ मिनिमम निकाला जाए दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है जीरो, ठीक। इसके बाद एक चीज़ और पढ़ा था हमने स्टेबल और अनस्टेबल, तो जब ये जीरो होता है तो जीरो केस में क्या होता है स्टेबल और 180 केस में अनस्टेबल, ठीक, और 90 होगा तो वहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। इक्विलिब्रियम दो कंडीशन हो गई, एक स्टेबल हो गई दूसरी अनस्टेबल। जीरो पे हमने क्या बताया था स्टेबल और 180 क्या बताया था अनस्टेबल, सेम यहाँ पर भी इसका रोल यही है। मैग्नेटिक फील्ड है और ये आपका जो है मैग्नेट, ये हमने ले लिया साउथ एंड नॉर्थ ले लिया, डायरेक्शन आपका इधर हो गया, एंगल थीटा हो गया, तो टाउ इज इक्वल टू यहाँ भी क्या हो गया बोल दो एम बी साइन थीटा, टाउ वेक्टर नोटेशन बोल दो एम क्रॉस, और दूसरा हमने ये बताया था कर्व निकालना हो तो साइन और कास जहाँ होते हैं ये साइन कर्व या साइनो साइडल कर्व कहलाते हैं, ठीक। फिर यहाँ भी डायरेक्शन आप फाइंड करना चाहते हो तो M से किधर की ओर जाए, ये देखिए M टू B परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स, ठीक। यहाँ भी वही कंडीशन है, टाउ मिनिमम निकालोगे तो वैल्यू क्या होगी और टाउ मैक्सिमम करोगे तो ये वैल्यू क्या हो गई M इंटू B हो जाएगी। फिर वही बात स्टेबल और अनस्टेबल, तो स्टेबल बताओ कितने पे हो जाएगा जीरो पर, अनस्टेबल कितने पे होगा 180 पर, क्लियर हो गया। ये ध्यान दे रहिएगा क्योंकि एंगल नहीं देते हैं, स्टेबल और अनस्टेबल वर्ड से पूछ लेते हैं। अब हम लोग आते हैं वर्क डन, अब वर्क डन पर जरा देख लीजिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, ये आपका डाइपोल माइनस क्यू एंड प्लस क्यू हो गया, एंगल थीटा वन ले लिया, ये माइनस क्यू टू प्लस क्यू ये हो गया आपका, और एंगल ये आपका थीटा टू हो गया बोल दो। तो यहाँ से वर्क डन की जो वैल्यू हमने फॉर्मूला बताया था पी ई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, अब यही चीज़ यहाँ पे आ जाओ, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये हम ऐसे बना ले मैग्नेट है, ये साउथ है और ये क्या है, ये एंगल हमने क्या मान लिया थीटा वन, अब यही यहाँ पे आ गया, ये साउथ हो गया नॉर्थ हो गया और ये एंगल हमने क्या ले लिया थीटा टू, सेम फॉर्मूला यहाँ पे आएगा, यहाँ हो जाएगा एम बी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा, ठीक। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि पैरेलल टू एंटी पैरेलल, तो पैरेलल में थीटा वन की दोनों केस में क्या हो जाएगा जीरो,
और एंटी पैरेलल में क्या हो जाएगा 180। उस केस में फॉर्मूले आपके मॉडिफाई हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2P एंड W इज इक्वल टू हाउ मच 2 MB। ओके क्लियर हो गया ना। और दो वर्ड यूज किए देखो, पैरेलल टू एंटी पैरेलल ये हो सकता है, और दूसरा ये भी कहते हैं स्टेबल टू अनस्टेबल। तो स्टेबल में क्या हुआ 0, अनस्टेबल में क्या हुआ 180 हुआ। पॉइंट क्लियर हो गया, बाकी जो एंगल देंगे वो हम कर लिया करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया आपका, डाइपोल हो गया आपका माइनस क्यू टू प्लस क्यू, एंगल थीटा बोल दो क्या बताया था यू इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा, वेक्टर नोटेशन बता दो इसका क्या हो जाएगा यू इज इक्वल टू हमने क्या बताया था जहां साइन वहां क्रास, जहां कास वहां डॉट, और जहां साइन कास नहीं होता है यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, अब बताइए यू मिनिमम, यू मिनिमम बता दो क्या हो जाएगा ये यू मिनिमम माइनस पी, और यू मैक्सिमम हमने क्या बताया था यहां बताओ प्लस पी। इसका मतलब हो जाएगा कि यू मैक्सिमम वैल्यू पी हो गई और मिनिमम वैल्यू माइनस पी, समझ में आया। अच्छा एक चीज और इसमें स्टेबल और अनस्टेबल बता दो, 0 पे क्या हुआ और 180 पे, दोनों केसेस में सब जगह स्टेबल और अनस्टेबल बात आएगी, 0 पे स्टेबल 180 पर अनस्टेबल। अब मैग्नेट पे आ जाओ, ये देखो साउथ नॉर्थ एंगल थीटा बोल दो फॉर्मूला क्या हो जाएगा यू इज इक्वल टू माइनस एम बी, अब यहां भी वही आ जाएगा वेक्टर नोटेशन बता दो माइनस एम डॉट। ठीक, अब इस अब बताओ यू स्टेबल हम कहें तो क्या हो जाएगा स्टेबल में थीटा की वैल्यू क्या लेते हैं 0, तो जब 0 लेंगे तो माइनस क्या आएगा, और यू अनस्टेबल कहेंगे तो 180 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा। तो ये ध्यान देना कि स्टेबल 0 अनस्टेबल 180 डिग्री। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑन एंड ब्रॉड ऑन, एंड ऑन ये हमने कहा था दो डाइप चार्जेज हैं आपके माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, ये आपके एंड ऑन एक्सियल हॉरिजेंटल, और ये आपका क्या हुआ ब्रॉड ऑन इक्विटोरियल तमाम सारे। ठीक, तो अब बताइए कि एंड ऑन की पोजिशन माइनस क्यू एंड प्लस क्यू बोल दो, यहां फाइंड करना हमें ये पॉइंट आपने पी ले लिया, यहां से इसके मिड पॉइंट ओ से ये डिस्टेंस हमने क्या ले लिया आर ले लिया, डायरेक्शन क्या बताया था बोलो क्या बताया था माइनस क्यू टू, ये डायरेक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको ई ए से डिफाइन कर दिया हमने, क्या फॉर्मूला था ई ए का बोल दो 1/4π0 2π/r³ बोलो। अब यहां अच्छा ब्रॉड ऑन भी पढ़ लेते तब आगे चलते हैं, ये माइनस क्यू आपका हुआ, ये आपका प्लस क्यू हो गया, डाइपोल हो गया, यहां कहीं फाइंड करना है, ये डिस्टेंस आर हुई, ये नेट डायरेक्शन याद करिए इस साइड को आया था ना ई बी, तो इसका मतलब हो गया यहां जो डायरेक्शन हुई माइनस क्यू टू प्लस क्यू आर पैरेलल टू डाइपोल, और यहां क्या हो जाएगा प्लस क्यू टू माइनस क्यू आर एंटी पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट, और फार्मूला यहां पर आपका आ जाएगा ई बी हमने ले लिया 4π0, बस इतने डिफरेंस होता है यहाँ 2p होता है, यहाँ जहां पर सिमिलरिटीज होती हैं वह हम डिसिमिलरिटी को देखते हैं तब हमें याद करने में आसान रहता है। ठीक, और दोनों का रेशियो ले लो एंड ऑन और ब्रॉड ऑन का बोल दो क्या आएगा 2:1 आ जाएगा। ठीक, अब इधर आ जाइए, ये आ जाइए मैग्नेट में आ जाइए, ये साउथ पोल हो गया नॉर्थ पोल हो गया, यहां कहीं आपको फाइंड करना है, यहां मिड पॉइंट से ये डिस्टेंस हमने आर ले लिया, डायरेक्शन इधर हो जाएगा बोल दो बी ए, और इस बी ए की वैल्यू बोलो क्या हो जाएगी ये हो जाएगी म्यू नॉट अपान 4π2m/r³। ब्रॉड ऑन पे बता दो ये हमने ले लिया
ये हो गया साउथ, हो गया नॉर्थ, हो गया यहाँ कहीं आपको फाइंड करना, ये डायरेक्शन हो जाएगा, इसका नाम बीबी दे दिया, ये डिस्टेंस आर हो गया, तो बोल दो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट अपान फोर पाई और एम अपान, और यहाँ भी दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, वही 2:1। इसके बाद कोई जनरल एंगल दे दिया जाए 30 डिग्री 60 डिग्री, आपकी क्वेश्चन आपका उसमें आइटम शायद आया था। अब हम ले लेते हैं ये माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, ये डिस्टेंस हमने आर, पॉइंट बी एंड एंगल इज थीटा, फॉर्मूला बोलिए, जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4π0 पी अपान आर क्यूब, और बोलो अंडर रूट 3 cos² θ+। अब यहां तुम थीटा 0, 180 रखोगे, 90 रखोगे, तो वही दो सिचुएशंस जो हम पढ़े वो आ जाएंगे आपकी, ठीक ठीक। अब इधर देखिए, ये आ जाइए साउथ नॉर्थ आर एंगल थीटा पॉइंट पी, बोल दो फॉर्मूला, बोलो म्यू नॉट अपान 4π एम अपान आर क्यूब अंडर रूट 3 cos² θ+। अब जैसे थीटा तुम 0 रखो तो 0 cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, 3 + 1 = 4, 4 के स्क्वायर रूट कितना हुआ 2, 2π/r³ आ गया आपका, बोलिए अब आ गया। ये इतने टॉपिक आपके थे, दोनों सबने कंपेयर किया, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब आते हैं हम लोग टेंजेंट ला, टेंजेंट ला क्या होता है, टेंजेंट ला में कोई ये मैग्नेट है, हमने बताया था इसको आप थ्रेड से इससे सस्पेंड करेंगे तो ये हमेशा कैसे रुकेगा नॉर्थ साउथ में, क्या रीजन है, क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में स्टे होता है, ठीक। इस मैग्नेट को थोड़ा सा आप या ऐसा करिए एक एक्सटर्नल फील्ड ईस्ट वेस्ट में लगा दो, ठीक, अर्थ की कैसे है साउथ टू नॉर्थ है, एक एक्सटर्नल लगा दिया ईस्ट वेस्ट ऐसे लगा दिया, तो अब क्या होगा, जो हमने एक्सटर्नल फील्ड लगाई वो और जो अर्थ की है इन दोनों को एक रिजल्टेंट फील्ड डेवलप कर जाएगी। अब ये हमारा मैग्नेट थोड़ा क्या करेगा, रोटेट कर जाएगा, क्योंकि रिजल्टेंट फील्ड की डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक। तो इसी को हम लोग टेंजेंट ला कहेंगे, जैसे ये हमने ले लिया, ऐसे मान लीजिए हमने ले लिया, ये एंगल आपका थीटा है, ठीक, ये अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये एक्सटर्नल फील्ड हमने बी अप्लाई कर दिया यहां पर, ये अर्थ की फील्ड है और ये हमने अप्लाई कर दिया थीटा, यहां से डिफ्लेक्ट हो गया, ये हमने परपेंडिकुलर, तो ये बी है, तो बोलो यहां से फॉर्मूला क्या आ जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू बी अपान बी एच, देन बी इज इक्वल टू बी एच टेन थीटा। टेंजेंट ला, इस पर दो आपके इंस्ट्रूमेंट बेस्ड इसी काम करते हैं, डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर एंड टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, वो इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। अब आते हैं हम लोग डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर पर, बहुत इंपॉर्टेंट तो ये नहीं है लेकिन थोड़ा पढ़ लेते हैं। इससे क्या होता है कि हम अर्थ की फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट कंपेयर करते हैं दो मैग्नेट के, ठीक। देखिए इस तरह से ये बना होता है, आपने प्रैक्टिकल किया होगा, ये निडिल होती है बीच सेंटर पे, ठीक। अब मान लीजिए ये आपका नॉर्थ है, अर्थ का नॉर्थ है, तो निडिल आपकी ऐसे रुकेगी, ये इस तरह की 0, 0 और यहां होता है 90 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये होता है। अब हमने क्या किया, कोई मैग्नेट यहां पर लाके रख लिया, ऐसे ये नॉर्थ साउथ मैग्नेट ऐसे रख लिया, तो बताओ कि फील्ड इसकी जो है, ये पहली बात क्या हुआ, इसके लिए क्या हुआ, एंड ऑन हुआ, और एंड ऑन में डायरेक्शन किधर होता है, क्या होता है बताओ, साउथ टू नॉर्थ होता है। अब ये मैग्नेट क्या करेगा, एक फील्ड इधर को डेवलप कर देगा, अभी नहीं था तो ये जो निडिल हमारी थी नॉर्थ साउथ में रुकी हुई थी, और जब ये कर देगा तो ये निडिल हमारी क्या कर जाएगी, रोटेट कर जाएगी। अब एंगल हमने क्या ले लिया, थीटा ले लिया, यहां से लेकर यहां तक ये सेपरेशन हमें यहां पे स्केल बना होता है निकाल लेते हैं। अब आ जाओ टेंजेंट ला फॉर्मूले पे, b इज इक्वल टू आपका होता है बी एच टेन थीटा, ये जो b यहां पर निकाले हो ये
हैंडान को इसने ये डेवलप कर रहा है ना, तो म्यू नॉट अपान 4 पाई 2m अपान डी क्यूब इज इक्वल टू बी एच टेन थीटा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन यहां पर है। ठीक, ये वो क्वेश्चन कहलाती है टेन ए पोजीशन। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा इसको रोटेट करा देते हैं। अब देखिए इधर ध्यान से, अब मान लो हम ऐसे रख लेते हैं, ये नीडल आपकी हो गई और मैग्नेट हमने ऐसे रख लिया, ये आपका वही नॉर्थ साउथ है, तो नीडल आप हमारी कैसे रुकेगी, नॉर्थ साउथ में रहेगी। ये आपका 0-0 होता है, फिर वही 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब यहां मैग्नेट रख लिया, ये मान लो आपका साउथ पोल है और ये मान लिया हमने क्या है, तो बताओ एंड ऑन है कि ब्रॉड ऑन है, ब्रॉड ऑन है। ब्रॉड ऑन में डायरेक्शन बताओ क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ होती है। जब नॉर्थ टू साउथ होती है, यहाँ एक फील्ड डेवलप करेगा इस साइड में, जब इधर डेवलप करेगा अर्थ वाली इधर की ओर है, तो ये क्या करेगी बताओ, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाएगी। एंगल हमने क्या ले लिया, थीटा ले लिया, और ये सेपरेशन यहाँ से ले तक हमने क्या ले लिया, डी ले लिया। फिर वही फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, क्या बी इज इक्वल टू बी एच टेन, और बी की वैल्यू बोल दो म्यू नॉट अपान 4 पाई एम अपान डी क्यूब एंड बी एच टेन। ओके, लेकिन इंपॉर्टेंट भी नहीं है ये। ठीक, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब ये क्या होता है इसके बारे में समझिए ध्यान से, क्वेश्चन काफी आते हैं इस पे। ये जो है मैग्नेट है, एक्चुअली ये बॉक्स होता है ग्लास का, हायर क्लास में प्रैक्टिकल कराया जाता है इसका, तो ये थ्रेड से ऐसे लटका होता है। ठीक, कैसे रुकेगा बताओ, नॉर्थ साउथ में रुकेगा ना, ऐसे रुका हुआ है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको ऐसे हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया, और करोगे तो क्या हो जाएगा, छोड़ दोगे फिर ये क्या करेगा, इधर को आएगा, क्योंकि अर्थ की फील्ड इधर की ओर है। अब जब इधर को आएगा, इस पर टाव काम करेगा, वो लाएगा इसको, तो वो लाएगा तो थोड़ा इधर चला जाएगा इनर्शिया से। अब ये मैग्नेट ऐसे ऐसे, ये अर्थ की मान लो फील्ड है, ये इस फील्ड के ऐसे ऐसे क्या कर रहा है, वाइब्रेट करता है। स्टॉप वॉच रखे रहते हैं, ठीक, उसको ऑन कर दिया जाता है, और यहाँ पर जैसे ये जा रहा है, यहाँ पर आँख लगाए रहते हैं, ऐसे ही यहाँ लगाए रहेंगे, एक ये फिर 2 3 4 5 6 ऐसे हम बना लेते हैं कि भाई 10 ऑक्सीलेशंस ले लिए, कितना टाइम लगा वो हमने कंसीडर कर लिया, तो टाइम मिल गया, ऑक्सीलेशंस मिल गए, तो हमें टाइम पीरियड मिल जाएगा। क्लियर हो गया कि एक ऑक्सीलेशन में कितना टाइम लग रहा, वहाँ से निकाल लेते हैं, ऐसे 2-3 रीडिंग ले लेते हैं, और यहाँ से जो हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है, इस तरह बॉक्स टाइप होता है ये, ऐसे ये ठीक नॉर्थ साउथ ये, तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है 2 पाई अंडर रूट बोल दो आई अपान एम बी एच। आई क्या है बताओ, ध्यान दे रहा, बार बार मैं कहता हूं सिंबल्स अहम होते हैं फिजिक्स में, आपको सिंबल्स डेप्थ में आते हैं तभी क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। आई क्या है, किसका है, लड़का है तो किसका है, ये जानना जरूरी है, लड़का दुनिया बता दे देख के। अब बताओ आई क्या है, किसका है, मैग्नेट का है। एम क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट किसका, मैग्नेट का। तब आप सही अटैक कर पाओगे, क्योंकि वो चेंज करेगा भाई, मैग्नेट में ये कर दिया वो कर दिया, तो उसकी वजह से दो चीजों में इफेक्ट आएगा, किस पर आएगा, आई और एम पे आएगा। और बी एच क्या है बताओ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ, जब फील्ड में कोई चेंज करोगे तो बी एच पे इफेक्ट आएगा, अदरवाइज कोई इफेक्ट। मैग्नेट में कोई डिस्टरबेंस कर रहे हो तो एम और आई दोनों पे इफेक्ट पड़ेगा, और फील्ड में कर रहे हो तो किस पर इफेक्ट पड़ेगा, बी एच पे इफेक्ट पड़ेगा। बस यही दो चीजों लेकर ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब एक एक चीज हम आप, पहली बात तो हमने ये बताया था आई का जो फॉर्मूला रेक्टेंगुलर बॉडी के लिए क्या होता है, बोलो क्या बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान 12 बताया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन जो हमारा ये मैग्नेट होता है, आइडियल मैग्नेट जो हम यहाँ लेते हैं ऑब्जर्वेशंस में,
वो ये होता है उसका ब्रेथ कम होता है और लेंथ क्या होता है, इसलिए हम ब्रेथ को कंसीडर। तो यहां पर हम ये ले लेते हैं कि ए मच ग्रेटर देन बी, हम ए की जगह ले लेते हैं एल ले लेते हैं, ठीक। तो अब ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 12, आई इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई, इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे ध्यान दे रहा हूं मैग्नेट के केस में, इस केस में, बाकी जगह था फॉर्मूला आपका ये अप्लाई हुआ रेक्टेंगुलर बॉडी के लिए, लेकिन यहां पर ये अप्लाई होता है, ठीक। अब यहां पर एम ध्यान में कंफ्यूज मत होना, ये एम जो है वो मास है और एल क्या है, लेंथ है। पॉइंट क्लियर हो गया, दोनों कंफ्यूज, ये यहां जो एम है वो मैग्नेटिक मोमेंट है, यहां हम एम डैश कर ले रहे हैं ताकि तुम लोग दिमाग गड़बड़ाए ना, यहां एम डैश कर लिया, यहां एम डैश कर लिया, तो एम डैश जो है वो क्या है, मास ऑफ बार मैग्नेट है और एल उसकी क्या हो गई, लेंथ हो गई, ठीक। और फिर इसके बाद हम लोगों ने यहां पे डिस्कस किया था, याद करिए, अब देखिए ये मैग्नेट है, ठीक, और इस मैग्नेट को हम हॉरिजॉन्टली दो पार्ट में डिवाइड कर ले रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टली, तो बताओ मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाया था, हाफ। मैग्नेटिक मोमेंट सब में हॉरिजॉन्टली करो चाहे वर्टिकली करो, दो पार्ट में करोगे m बाई टू, थ्री पार्ट करोगे m बाई थ्री, फोर पार्ट करोगे m बाई फोर, सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्सिया आपका अलग अलग बदल जाता है, ठीक। अब बताओ इस केस में मैग्नेट, इसका m है तो इसका क्या हो जाएगा, m बाई टू, i है इसका तो इसका क्या हो जाएगा, i बाई, अरे यार i इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 12 होता है, इसकी लेंथ l ले लो, इसका मास m डैश ले लो, तो बताओ m डैश l स्क्वायर बाई 12 हुआ इसका। अब यहां पे आ जाओ, i इज इक्वल टू m डैश बाई 2 l स्क्वायर बाई 12 हुआ, तो ये वैल्यू i हो गई, इसका मतलब क्या हो जाएगा, i बाई 2, ठीक। अच्छा मान लो इसको हम ऐसे डिवाइड करते, ये वर्टिकली डिवाइड करते, तब क्या आता, i क्या आता बताओ, i इज इक्वल टू एम डैश बाई 2 और एल बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन 12, तो समझ गए होगे क्या आएगा, आई बाई, बोलो। तो ये हमने आपको सिखाया था, लेकिन कोशिश करिए कि याद हो, टाइम बच जाएगा, तो क्या बच जाएगा, अभी इधर देखें, ये आपका मैग्नेट है, ठीक, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट एम है, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया आई है, इसको हमने दो पार्ट में, इसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टली, ये ध्यान दे रहे नहीं तो यही गड़बड़ कर दो, हॉरिजॉन्टली डिवाइड, ऐसे बीच से काट दिया गया, तो इसका जो m है वो क्या हुआ, और i बाई क्या हुआ, इसी मैग्नेट को वर्टिकली ऐसे डिवाइड कर दो, तो m बाई 2 तो होगा, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्सिया i अपॉन, क्लियर हो गया, ऐसे तीन पार्ट हमने डिवाइड किया था, तो उसको याद किया, देखिए मैग्नेट मोमेंट में जितना पार्ट चाहे वर्टिकली करो चाहे हॉरिजॉन्टली करो, उतना बाई टू कर दिया, दो पार्ट हुआ, टू पार्ट्स इक्वल पार्ट्स हो गए एम बाई टू, थ्री इक्वल पार्ट्स हुए एम बाई थ्री, फोर इक्वल पार्ट्स हुए एम बाई फोर, ठीक। तो ये दो पार्ट तक ही आता है, एक आध क्वेश्चन तीन पार्ट किया है, बाकी नहीं आया है, ठीक। इधर देखो, अब ये मैग्नेट है, ये साउथ नॉर्थ, इधर का मैग्नेट मोमेंट एम वन है, इसी पे एक और रख दिया गया साउथ नॉर्थ, इसका मैग्नेटिक मोमेंट हमने ले लिया क्या है, m2 है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया i1 एंड i2 है, तो ये बताइए नेट मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या हो जाएगी, i1 प्लस i2, मोमेंट ऑफ इनर्सिया समझो मास 2 किलो, 2 किलो मिलके 4 किलो, सीधे इसको फॉलो करेगा, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर को फॉलो करेगा, वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो बोल दो सेम डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगा, यहाँ वेक्टर पैरेललोग्राम लगा, आर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। अब आइए सेकंड पॉइंट देखिए, ये आपका साउथ पोल, ये आपका नॉर्थ पोल, ये आपका एम वन, और डायरेक्शन चेंज कर दिया हमने, इधर साउथ इधर नॉर्थ, ये आपका क्या हुआ एम टू, मोमेंट ऑफ इनर्सिया आई वन एंड आई टू, चलो मोमेंट ऑफ इनर्सिया बताओ क्या हो जाएगा, अबे आई वन प्लस आई टू माइनस नहीं होगा, किसी के ऊपर एक आदमी बैठा है 50 किलो का, उसके ऊपर जो है 50 किलो का और बैठ गया, तो ये नहीं देखा जाएगा साउथ मुंह करके बैठा है कि नॉर्थ,
50-50-100 किलो हो गया, उसे डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट आपका क्या है, वेक्टर है, ये डायरेक्शन पे हो जाएगा। अब बताओ यहाँ नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, बोल दो, M1 माइनस R इज इक्वल टू P माइनस Q, ओके। अब आ जाइए तीसरा पॉइंट, ये देखो, अब ऐसे हमने कर दिया, देखिए 90 डिग्री पर, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, ये आपका M1, ये M2, बोलो। तो यहां पर जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा, बोल दो क्या हो जाएगा, M1 स्क्वायर प्लस, लेकिन I क्या हो जाएगा, बस वही होगा, I1 प्लस, ये टेंसर क्वांटिटी होती मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके। और मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए पैरेलोग्राम को फॉलो कर, लॉ पैरेलोग्राम को फॉलो करता है, ठीक। एक पॉइंट और बताया था मैं, इधर देखो, ये मैग्नेट है, ये साउथ नॉर्थ, ये मैग्नेटिक मोमेंट हमने ले लिया M1, और यहां पर नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस ले लिया, इसका हमने I1 कहा, इसका हमने, ये नॉन मैग्नेटिक मैग्नेटिक सब्सटेंस, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता है, मैग्नेट में ही मैग्नेटिक मोमेंट पाया जाएगा, आदमी में ही इंसानियत, इंसान में ही इंसानियत होती है, ऐसे ही मैग्नेट में ही मैग्नेटिक मोमेंट होगा, जो मैग्नेट नहीं है उसमें मैग्नेटिक मोमेंट, तो जब नहीं होगा तो अब बता दो कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास एम नेट जो आएगा वो तो M1 ही आएगा, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहे मैग्नेट हो और चाहे ना हो, तो आई नेट आई इज इक्वल टू, बोल दो, I1 प्लस, कोई डाउट। अब आगे देखो, अब हमने क्या किया, दो चीजों पर भी हमने काम, केवल एक चीज पे काम किया है, मैग्नेट पे काम किया है, और मैग्नेट के काम करने से दो चीजें अफेक्ट हो रही हैं, कौन दो चीजें बता दो, एक हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया और दूसरा हो गया मैग्नेटिक मोमेंट, दो बातों पे इफेक्ट पड़ रहा है, अभी बीच में कोई इफेक्ट, क्योंकि अभी उसके बारे में हमने कुछ सोचा नहीं, देखिए हमने बार बार बताया है उन्हीं पे इफेक्ट पड़ता है जो उससे रिलेटेड होते हैं, जैसे हमने कहा पिक्चर में देखा होगा कि वो हीरो नहीं मिल रहे हैं तो हीरोइन को पकड़ लाओ चले आएंगे दौड़े दौड़े, तो जो रिलेटेड होते हैं उसी पे इफेक्ट डालेगा। यहाँ पर आपका जो है मैग्नेट का दो चीजों पे इफेक्ट पड़ रहा था, आई और एम पर, उन पर पड़ता गया, अब हम मैग्नेट वही रख रहे हैं, उसको नहीं कुछ कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, फील्ड पे इफेक्ट, तो फील्ड से क्या होगा, जैसे कि अब फील्ड पे करोगे तो मैग्नेट को इफेक्ट नहीं पड़ेगा, केवल फील्ड पड़ेगा, जैसे भूत प्रेत होते हैं होता है खानदान पे ही जाते हैं, केवल ब्लड रिलेशन पे ही पकड़ते हैं, ऐसे यहाँ फिजिक्स में भी होता है, तो इनका देखिए जरा ध्यान से। तो अब आते हैं हम BH, पहली बात तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है आपका T इज इक्वल टू, ये आया 2 पाई अंडर रूट आई अपान MBH, तो ये जो BH है इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, पहला तो एक फॉर्मूला आपका ये लग जाता है BE cos, यहाँ जो थीटा है ये क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डिप कहलाता है, क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डिप, ठीक। बी क्या हो गया नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, और BH हो गया हॉरिजॉन्टल, अब यही फॉर्मूला आपका मॉडिफाई हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट आई अपान MBE, ठीक। तो यहां से एक चीज चेंज हो सकता है, दूसरा ये फॉर्मूला आपने पढ़ेंगे अभी, tan थीटा इज इक्वल टू बी वर्टिकल अपान बी, तो ये भी यहां चेंज करा सकते हैं, तो ये हो जाएगा v वर्टिकल अपान tan थीटा, ये भी यूज कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन इस पर आया हुआ है। एक दूसरी चीज हो, इधर देखो, ये मैग्नेट है आपका वही वाला जो लटका हुआ है साउथ नॉर्थ, ये जो है वो अर्थ की फील्ड को जैसे ऐसे है लटका हुआ है, अब हमने क्या किया, एक एक्सटर्नल फील्ड और डेवलप कर दी अलग से, ये मैग्नेट हमारा था ही था, इधर को BH था, फील्ड जो हमने एक्सटर्नल डेवलप की इधर को डेवलप कर दी, कोई मैग्नेट रख दिया, कुछ रख दिया, ऐसे रख दिया, ठीक। तो ये बताओ कि इस फील्ड की वजह से हमारे पास तीन फैक्टर हैं, इन तीनों पर किस पर इफेक्ट पड़ेगा, I पे पड़ेगा, M पे पड़ेगा,
नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम मैग्नेट में कुछ नहीं कर रहे हैं, हम फील्ड पे कर रहे हैं। किस पर इफेक्ट पड़ेगा और क्या पड़ेगा बता दो? बीएचबी जो होता है वेक्टर क्वांटिटी है, तो पैरेललोग्राम को फॉलो करेगा। पैरेललोग्राम क्या फॉलो करेगा? दोनों क्या है? सेम डायरेक्शन है, तो सेम डायरेक्शन है तो बोल दो नेट फील्ड यहां क्या आ जाएगी? बी प्लस बीएच आ जाएगी। बोलो बी प्लस। अब बताओ इसी में भी देख लो, ये हमारा मैग्नेट है इधर को, ये इधर को, ये बीएच है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ है, हमने इधर को लगा दिया अपोजिट डायरेक्शन में। अब बता दो, अब हमारी जो नेट फील्ड आ जाएगी बोल दो बी एच माइनस भी आ जाएगी। इस पर क्वेश्चन आए हुए हैं, मेडिकल में भी आया है, इंजीनियरिंग भी आया है। पॉइंट क्लियर हो गया? तो हमारा जो बी एच चेंज हो रहा है, एक तो ये मेथड है कि बी एच इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, और सेकेंड ये है कोई एक्सटर्नल फील्ड हम टूवर्ड्स नॉर्थ कर दें, टूवर्ड्स नॉर्थ कर देंगे तो फील्ड दोनों क्या करेंगी? ऐड हो जाएंगी, एंड टूवर्ड्स साउथ कर देंगे तो फील्ड दोनों माइनस। बोलो। और ये भी आपका काम वही करता है कि कंपेयर टू मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ टू मैग्नेट्स एंड आल्सो यूज टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। ठीक, ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट है।